आजादी के जंग के कई रूप रहे हैं और उसमें एक रूप वो भी था जिसमें नारायण गुरु हो, स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि अरविंदो हो, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हो, ऐसे अनेक महापुरुष हिंदुस्तान के हर कोने में, हर कान में भारत की चेतना को जगाते रहे, भारत को चेतनवंत बनाते रहे। अमृत महोत्सव के दौरान देश ने पूरे एक साल से हम देख रहे हैं, 2021 में दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ, स्मृति दिवस को संवरते हुए हिंदुस्तान के हर जिले में, हर कोने में देशवासियों ने आजादी के अमृत महोत्सव के लक्षावधि कार्यक्रम किए हैं। शायद इतिहास में इतना विशाल, व्यापक, लंबा एक ही मकसद का उत्सव मनाया गया हो, वो शायद ये पहली घटना हुई होगी। और हिंदुस्तान के हर कोने में उन सभी महापुरुषों को याद करने का प्रयास किया गया जिनको किसी न किसी कारणवश इतिहास में जगह न मिली या उनको भुला दिया गया था। आज देश ने खोज खोज करके हर कोने में ऐसे वीरों को, महापुरुषों को, त्यागियों को, बलिदानियों को, सत्याग्रहियों को याद किया, नमन किया। अमृत महोत्सव के दरमियान इन सभी महापुरुषों को नमन करने का अवसर रहा। कल 14 अगस्त को भारत ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी बड़े भारी मन से, हृदय के गहरे गांवों को याद करते हुए, उन कोटि कोटि जनों ने बहुत कुछ सहन किया था, तिरंगे की शान के लिए सहन किया था, मातृभूमि की मिट्टी से मोहब्बत के कारण सहन किया था और धैर्य नहीं खोया था। भारत के प्रति प्रेम ने नई जिंदगी की शुरुआत करने का उनका संकल्प नमन करने योग्य, प्रेरणा पाने योग्य है। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो पिछले 75 साल में देश के लिए जीने मरने वाले, देश की सुरक्षा करने वाले, देश के संकल्पों को पूरा करने वाले, चाहे सेना के जवान हो, पुलिस के कर्मी हो, शासन में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हो, जनप्रतिनिधि हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के शासक प्रशासक रहे हो, राज्यों के शासक प्रशासक रहे हो, केंद्र के शासक प्रशासक रहे हो, 75 साल में इन सब के योगदान को भी आज स्मरण करने का अवसर है और देश के कोटि कोटि नागरिकों को भी जिन्होंने 75 साल अनेक प्रकार की कठिनाइयों के बीच भी देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने से जो हो सका वो करने का प्रयास किया।